हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एकदम ढाबा स्टाइल स्मोकी आलू बैगन और टमाटर का भरता। बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए मैं बना रही हूँ, नहीं तो हम ये अभी नहीं खाएंगे। सावन आ रहा है ना इसलिए। तो चलिए ढाबा स्टाइल किस तरह आलू बैगन का भरता बनाते हैं। तो ऐसे स्मूथ वाला बैगन ले लेना, तो बीज ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा दबना चाहिए इस साइड, ये देसी ऐसा मिलता है। तीन टमाटर ले ली हूँ, तीन बैगन ले ली हूँ और तीन चार मैं ऐसे आलू को बॉईल करके निकाल ली हूँ। ऐसे चाहे तो भून भी सकते हो एकदम धीमी फ्लेम में, मतलब स्लो फ्लेम करके। तो उसमें से चार आलू छोटे छोटे डाल दूँगी, ठीक है, छिलके निकाल कर। अभी पूरा मैं उबाल ली हूँ, रख दी हूँ। अब बैगन में और टमाटर में सब ऑयल लगा दूँगी, ग्रेस कर दूँगी। तो सारा ऐसे सब ऑयल लगा लेंगे, पहले से धोकर ले ली थी बैगन ये सब। अब ऑयल ग्रेस कर देंगे, पहले पूरा बैगन को भून लेंगे, नहीं तो इतने से फ्लेम में पूरा एक साथ सब टमाटर भी नहीं होगा ना। तो पहले ये तीन भून जाएगा, उसके बाद टमाटर रखकर उसको भी भून लेंगे, ठीक है। पहले मैं ऐसे टमाटर देखिए अभी रख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, तो नहीं होगा, ठीक है, उसका आँच नहीं लगेगा इसमें। तो इसको टमाटर को निकाल दी हूँ, फिर तीनों बैगन को ऐसे पलटते पलटते हुए हमें इसे भून लेना है। एटलीस्ट 5-7 मिनट लगता है, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से ये हो गया, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो अब निकाल देने का, समझ जाने का ये अभी हो गया है। लेकिन ऐसे अगर करोगे ना एकदम स्मोकी फ्लेवर आता है, बहुत सुगंध बहुत अच्छा आता है। इस तरह हम गांव में जाते थे तो वो ऐसे ही चूल्हे में हम सब भून कर खाते थे, पकाते थे, मतलब ये चटनी बनाते थे चोखा। तब तक देखिए यहाँ पर टमाटर भी ऐसे ही भून रही हूँ और यहाँ पर दो ऑनियन को काट ली हूँ और दो लाल मिर्च को भी मैं भून कर निकाल ली हूँ। और यह है अदरक, अदरक बोल रही हूँ, अदरक भी ले सकते हो आप। मैं लहसुन ली हूँ, 7-8 लहसुन और 2 हरी मिर्च, एकदम चटपटा तीखा लगने के लिए। और ये तीखा वाला नहीं है क्योंकि बच्चों के लिए ले रही हूँ, उसको भी मैं दरदरा ऐसे कूट ली हूँ लहसुन और हरी मिर्च को। और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देखिए गरम गरम था, छिलके निकाल ली हूँ, आराम से उतर जाता है, छिलके निकल जाता है बैगन का। और ऐसे साफ हुआ मतलब अंदर कीड़ा वगैरह है या नहीं ऐसे देख लेने का अच्छे से, ठीक है। तो एकदम अच्छा वाला बैगन ही लेना। तो यहाँ पर अभी टमाटर भी भुन चुका है, इसे भी निकाल लूँगी। अब कढ़ाई धोकर बैठा दी हूँ, अब आलू का भी छिलका निकाल ली हूँ, यहाँ पर सब रेडी कर दी हूँ। जो दो लाल मिर्च को मैं भून कर रखी थी उसके भी टुकड़े टुकड़े कर ली हूँ चिली फ्लेक्स के तरह। और लहसुन और हरी मिर्च का भी ऐसे दरदरा पेस्ट बना दी हूँ, उसको आप मिक्सी में भी दरदरा कर सकते हो। तो तवा भी कढ़ाई मतलब पैन जो बैठा दी हूँ वो गर्म हो गया है। तीन ऐसे लाल मिर्च को अक्खा ऐसे फ्राई करके निकाल लूँगी, क्योंकि हम ढाबा में कभी ऐसे खाने के लिए गए थे ना तो इसी तरह दिए थे, न उसमें कोई हल्दी डाला था न मसाला, और बहुत टेस्ट अच्छा आ रहा था। तो इस तरह आप ऐसे बना कर खाइए, अपने बच्चों को दीजिए। हम नहीं खाएंगे इस सावन में, लेकिन बच्चे तो खाएंगे ना। तो देखिए अभी तेल गर्म हो चुका है, तो एक छोटा चम्मच राई डाल दी हूँ, एक छोटा चम्मच जीरा डाल दी हूँ, 2 हरी मिर्च फिर से मैं डाली हूँ। हरी मिर्च को फिर थोड़ा भुन जाएगा तो उसको निकाल लूँगी। अब ये जो 2 ऑनियन है, मीडियम साइज़ या बड़ा भी ले सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको पूरा सॉफ्ट होने तक ऑनियन को फ्राई करेंगे। और देखिए अभी मैं हरी मिर्च को बीच में से कट कर दी थी, नहीं तो फूटेगा ना, फिर उसको निकाल ली हूँ। और बाद में ऐसे ऊपर भरता हो जाने के बाद ऊपर ऐसे डाल लूँगी, ताकि जो अलग से खाए भी तो भी अच्छा लगेगा। अगर जिसको तीखा पसंद नहीं होगा वो भी निकाल सकते हैं। और उसी तरह मैंने दरदरा पेस्ट भी लिया है हरी मिर्च का, तभी ये पूरा मैं थोड़ा सा मतलब जल्दी भुन जाए, मतलब जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। तो नमक थोड़ा डाल दी हूँ, 1/2 छोटा चम्मच, ताकि जो कांदा है ना तो जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएगा नमक डालने से। तो थोड़ा भी ये हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, मैं साइड कर दी हूँ। जो ये है लहसुन और ये हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च ऐसे दरदरा कूट ली हूँ, क्रश कर देना आप नहीं तो, ठीक है। फिर इसके इसे भी मतलब ऐसे साइड करके थोड़ा हल्का सा इसे भून लेंगे, इसका कच्चा बन जाने तक इसे भून लेंगे। फिर सभी को जब भून जाएगा तो एक साथ मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब पूरा ये भून चुका है लहसुन और ये हरी मिर्च, फिर सभी को मैं मिक्स कर दूंगी। और अभी थोड़ा मुझे फ्रेश नहीं मिल रहा था तो सूखा करी पत्ता था, वो भी 6-7 डाल दी हूँ। तो पूरा सब अभी मिक्स कर लेंगे, उसका कच्चापन तो चला गया है लहसुन का। इस तरह पूरा इसे भुनेंगे,
इसी तरह आप करोगे ना बहुत टेस्ट अच्छा आएगा, कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। ढाबा में देखिए आप जाते हो तो इसी तरह का मिलता है बिना मसाला डाले। तो देखिए अभी इस तरह मैं ऊपर का ऐसे बैगन का नहीं निकाली हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है, उसी तरह खाते हैं। तो बैगन और ये तीन या छोटे छोटे चार आलू को पूरा छिलका उतार दी थी और ऐसे दरदर जैसे मिक्स कर दी हूँ, उसको वो डाल दी हूँ। और ये टमाटर को भी इसी तरह, एक दो टमाटर का जो छिलका ऐसे रहेगा तो काला काला अच्छा लगता है, स्मोकी फ्लेवर आता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं उतारी हूँ, थोड़ा थोड़ा काला रहने दी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सभी को मैं मिक्स कर लूँगी, तो इस हिसाब से अभी नमक थोड़ा कम लगेगा तो और नमक थोड़ा डाल देंगे। और जिसे पसंद है थोड़ा पहले जो तेल डाले हैं ना उसमें हींग भी चुटकी भर डाल सकते हो, हल्दी भी, मिर्च पाउडर भी, इस तरह आप डाल सकते हो। लेकिन मैं बिना मसाला का ही बनाई हूँ, एकदम ढाबा स्टाइल, स्मोकी फ्लेवर आता है, सुगंध बहुत अच्छा आता है। इस तरह बना कर देखिए। तो और थोड़ा नमक कम लग रहा था, अब सब डालने के बाद बैगन टमाटर आलू ये सब डालने के बाद नमक भी डाल दी हूँ और दो चम्मच पानी भी डाल दी हूँ। ठीक है, उसको डालकर पूरा मीडियम फ्लेम में, पानी डालने के बाद मीडियम फ्लेम कर दी हूँ और उसे भी मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ा ऐसे ऐसे ऊपर से बस जस्ट ऐसे कर लेने हैं, एकदम मैं पूरा मिक्स नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरह हम ढाबा में खाए थे उसी तरह का मैं बनाई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा था तो आपको मैं बनाकर बता रही हूँ। आप ऐसे दो चम्मच तेल भी नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो देखिए धनिया पत्ता दो चम्मच ले ली हूँ और जो भुनी हुई तली हुई लाल मिर्च भी ले ली हूँ, हरी मिर्च भी ले ली हूँ, उसके ऊपर डाल दी हूँ। और पहले मैं भुनी थी लाल मिर्च को, उसको भी टुकड़ा टुकड़ा करके इसमें डाल दी हूँ। और इसके जगह पर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। तो इस तरह पूरा सभी भी मिक्स कर दूँगी, एकदम परफेक्ट ये हो चुका है। 5 मिनट में ये बन जाता है। ठीक है, भुनने में ही टाइम लगता है, जब हम गैस पर ऐसे भुनते हैं ना बैगन को टमाटर को, तभी थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा और ये परफेक्ट हो जाता है। बहुत बड़े बच्चे, मतलब बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये चोखा बनता है। इसको आप अक्की रोटी के साथ खाइए या लिट्टी चोखा, जो ये चोखा बन गया है लिट्टी भी बना दीजिए, खाइए, बच्चे भी खुश, आप भी अपना काम कर सकते हो। हम नहीं खाएंगे लेकिन बच्चे तो खाएंगे ना। तो इस तरह आप झटपट बनाकर दे सकते हो ये स्मोकी आलू बैगन और टमाटर का भरता। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को कुक विथ मिसेस साहू को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, ये झटपट बनने वाला भरता या चोखा जो भी आप बोलते हो फटाफट मैं बनाकर बताती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।